हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे हम दुबई ट्रेड का टोकन बनाते हैं, उसमें आज हम 65 पे करते हैं वीजीएम का। वो एक्चुअल में उस वीजीएम की रिपोर्ट हम दुबई ट्रेड से कैसे निकाल सकते हैं, तो ये आप मोबाइल से भी निकाल सकते हैं और अपने डेस्कटॉप से भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो सिंपली वही ऑप्शन है, आपको इधर जाना है और बाद में रिक्वेस्ट पे जाना है, रिपोर्ट पे, सॉरी रिपोर्ट पे जाना है। रिपोर्ट पे जाके आपको इधर से सेलेक्ट करना है वीजीएम सर्टिफिकेट। सेम प्रोसीजर मोबाइल पे आएगा और सेम जे सिस्टम पे भी आएगा। ओके, बाद में इधर आपको ये है, इसका कंटेनर नंबर है, कंटेनर नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास डीपी रेफरेंस नंबर है तो डीपी रेफरेंस नंबर से सर्च कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ बुकिंग नंबर, यू कैन ऑल्सो सर्च बाय बुकिंग नंबर। ओके, सो यहाँ पे हम सिंपली कंटेनर नंबर से सर्च करेंगे। ओके, इसमें एक दूसरी चीज़ और है कि हम इसके ऊपर, हमको ये पूरा पता चल जाता है कौन सी सील लगी हुई थी इसके ऊपर, कौन सी डीपी रेफरेंस नंबर से जो कंटेनर निकला हुआ था। ओके, ये हम इसका रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। ओके, ये जैसे हम इसका रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, एक से हमको ये इसका कंटेनर नंबर आ गया, ये इसका सील नंबर आ गया। ओके, ये कौन सी डीपी रेफरेंस नंबर है, सारा कुछ इसका आ गया। और इसका ये इसका वीजीएम आ गया कि इसके ऊपर वजन कितना लोड हुआ। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कस्टमर बोलता है कि मेरे को इसका वजन का पर्ची चाहिए था और हमने नहीं करवाया होता था, तो इस केस में हम इसको ये वीजीएम निकाल के दे सकते हैं। तो उस चीज़ में आपको ये बहुत ही फायदा होगा इसका। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो पोर्ट के ऊपर हम जो 65 पे करते हैं वीजीएम के, वो हम वीजीएम अपने दुबई ट्रेड से उसका रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, जो उसका वेट स्लिप है कंटेनर का, वो आप कैसे निकाल सकते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि हम कंटेनर लोड करते हैं लेकिन कस्टमर हमको बताता नहीं कि कंटेनर लोड उसका वेट करना है, लेकिन लास्ट में वो बोलता है हमको इसका वजन चाहिए, तो उस रिपोर्ट को आप कैसे निकालें। तो इस सिंपली प्रोसीजर है, इसको आप मोबाइल में भी फॉलो कर सकते हैं और अपने डेस्कटॉप पे भी ये रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको लैपटॉप की ज़रूरत है। तो सिंपली आपको इधर जाना है, इधर से आपको जाना है रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट के ऊपर जैसे जाएंगे उधर आपको नीचे आ जाएगा वीजीएम सर्टिफिकेट। वीजीएम सर्टिफिकेट खोलें, इधर आप बुकिंग नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, कंटेनर नंबर से भी सर्च कर सकते हैं और डीपी रेफरेंस नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो इधर हम, मैं कंटेनर नंबर से सर्च करता हूँ। ओके, तो ये नीचे मेरे आ गया, कंटेनर नंबर आ गया, इसके ये कौन से डीपी रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट था, इसकी बुकिंग क्या थी, इसकी सील क्या थी, कौन सी लाइन का था, एजेंट कौन था, शिपर कौन था। ठीक है, ये इधर से भी आप देख सकते हैं इसका वेट था 29 टन। ओके, लेकिन अगर आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, सिंपली क्लिक करो। मोबाइल में भी ये सेम प्रोसीजर आप मोबाइल में भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, इधर से आप डाउनलोड डाउनलोड हो गया। ओके, नीचे से ओपन करो। ओके, इसमें फर्स्ट आपका आ जाएगा कंटेनर नंबर कौन सा था। ओके, ये सील कौन सी थी इसकी। ओके, फिर इसका डीपी रेफरेंस नंबर कौन सा था। ये जरूरी नहीं कि इसमें आप वजन ही निकाल सकते हैं, इसमें कभी कभी हम ये भी देख सकते हैं कि ये कंटेनर नंबर है वो कौन सी डीपी रेफरेंस के ऊपर जो गेट इन हुआ था, इसमें आप सब चेक कर सकते हैं। ओके, और बाद में ये इसका आ गया वीजी, इसका वजन कितना था, 29 टन। ओके, और ये वजन जो होता है ये एम्प्टी के साथ होता है, और एम्प्टी का जो ग्रॉस वेट है वो उसके गेट के ऊपर लिखा होता है कि ये ग्रॉस टन कितना है, ऐसे 32,500 है कितना है, वो आपको इसमें से माइनस करना होगा और फिर आपका आ जाएगा एक्चुअल वेट।
जो आप कस्टमर को दे सकते हैं।